देखते हैं अगली खबर की ओर। राष्ट्रीय मार्ग 707 पर पैकेज 3 का कार्य कर रही HIS इंफ्रा कंपनी पर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने बड़ी कार्रवाई अमल में लाई है। सोमवार शाम को SDM सिलाई सुरेंद्र मोहन के नेतृत्व में पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अधिकारियों ने कार्रवाई को अंजाम दिया। दरअसल केंद्र सरकार ने 5 वर्ष पूर्व देश के 3 ग्रीन कॉरिडोर स्वीकार किए थे, जिसमें पावदा साहिब गुमदा नेशनल हाईवे 707 भी ग्रीन कॉरिडोर में स्वीकृत हुआ था। इस प्रोजेक्ट को मार्च 2024 तक पूरा किया जाना था। फेज 2 और फेज 3 की कंपनियों ने काम में भारी देरी के चलते प्रोजेक्ट 1 से 2 साल और लटक गया है। हमीरपुर प्रदेश राज्य पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राज्य राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के ड्रीम प्रोजेक्ट को भी झटका दिया है। फेज 2 के बाद अब फेज 3 का काम कर रही HIS इंफ्रा कंपनी के सबलेट कंपनी रुद्रनव के 3 क्रशर मिक्सचर प्लांट व RSC प्लांट सील कर दिए गए हैं। बताया जा रहा है कि कंपनी द्वारा एक क्रशर लगाने की परमिशन ली थी, इसकी आड़ में कंपनी ने 3 क्रशर प्लांट लगाए। इसके साथ ही RSC प्लांट लगाने की परमिशन किसी और स्थान को ली गई थी तथा इसमें किसी और स्थान पर लगाया गया। वहीं SDM सिलाई सुरेंद्र मोहन ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है हिमाचल प्रदेश का, उसने जो हमारा एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट है और जो वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट है, उसके तहत जो HIS इंफ्रा के जो 3 क्रशर्स हैं और एक हमारा RMC प्लांट है और एक हॉट एंड मिक्सचर प्लांट है, उसको क्योंकि उसमें कुछ कंसेंट नहीं है, प्रॉपर कंसेंट नहीं है और कुछ और उनके जो उनने उसमें ऑब्जेक्शन लगाए हैं, उसके बेसिस पर अभी इनको सील करने का आदेश दिए थे। तो जो मेंबर सेक्रेटरी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है उनके आदेशों के तहत ही इन जो 3 क्रशर्स हैं, एक हॉट मिक्सचर प्लांट है, एक RMC प्लांट है, इसको सील किया गया। तो ये कितने समय से सर बिना ऑथराइजेशन के चल रहे थे सभी? देखिए, उसमें ऑथराइजेशन का इसमें कोई वो नहीं है, क्योंकि इसमें जो उनके कुछ ऑब्जेक्शन वाले पॉइंट हैं उसमें कुछ ऐसे बिंदु उभर के आए हैं कि उसमें जो जो फ्यूल यूज़ होना चाहिए था प्रॉपर नहीं है, या जो बैंड फ्यूल है वो यूज़ हो रहा है, जो कंसेंट है वो प्रॉपर नहीं लिया गया है। तो जो उनके ऑर्डर में है वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, क्योंकि जो एज अ उन्होंने जो ऑर्डर कर रखा है।